नमस्कार आप सभी साथियों का अचानक से मुझे लाइव आना पड़ा और आप लोगों को मैंने पहले से इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हालांकि समय काफ़ी हो रहा है, रात काफ़ी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कुछ ना कुछ साथी जरूर जुड़े होंगे जो कि फेसबुक चला रहे होंगे। महत्वपूर्ण बात आप सभी लोगों को पता है कि मैं क्या काम करती हूँ और एडवोकेसी करती हूँ और महिला सुरक्षा के लिए मैं काम करती हूँ। बहुत साथी जुड़ रहे हैं, मैं एक एक करके सबको तो रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। कैलाश, गोदारा, सुरपुरा, राम राम जी, प्रेम कुशवाहा जी, नमस्कार भाई, एडवोकेट पवन कुमार जी नमस्कार, राजू नमस्कार, सिद्धार्थ नमस्कार जी। देखिए भाई, मैं मेन बात पर आ जाती हूँ। एक तो जो भी हमारा सिक्योरिटी वाला इशू चल रहा था उस पर आप सभी लोगों को अवगत मैं करा चुकी हूँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, इम्पॉर्टेंट जो घटना है उसके बारे में मुझे बताना है। महाराष्ट्र में साकीनाका पुलिस स्टेशन जो है उसके अंतर्गत कल एक करीब 32 साल की महिला के साथ रेप किया गया और उनका मर्डर कर दिया गया। आज उनकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में और मुझे पता चला है कि वो अपना बयान भी नहीं दे पाई हैं। फिर से वही डिबेट और डिस्कशन शुरू हो जाएंगे फिर से कि केस जस्टिस मिलेगा उस दूसरी निर्भया के लिए, क्योंकि दूसरी निर्भया इनको इसलिए बोला जा रहा क्योंकि हमारी जो निर्भया जो ज्योति थी उनके साथ जो क्राइम हुआ था, उनके जो जिस तरीके से रॉड से उनके प्राइवेट पार्ट पर अटैक किया गया था, उसी तरीके का इन महिला के साथ जिनका मर्डर किया गया है, जिनका रेप किया गया, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मैं बताना चाहूँगी कि साथियों, 4 लोगों को फांसी की सज़ा हुई और जिस तरीके की दरिंदगी उन लोगों ने की थी उसकी सज़ा मिली उन लोगों को, लेकिन रॉड से प्राइवेट पार्क पर अटैक करना, मारना, ये सब क्यों इस तरीके से लोग कर रहे हैं? तो मैंने इसको बहुत सारे जो हमारी फीमेल जिनके केसेस मेरे पास आते हैं, एक स्त्री उसने बताया, उसका मैट्रिमोनियल केस था, मतलब जो शादी ब्याह में झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ के, तो उसका ये कहना था कि मैम, हमारे हस्बैंड से उन्होंने लव मैरिज की थी, हमारे हस्बैंड से जो झगड़ा होता है वो कहते हैं कि अगर तू नहीं सुधरी तो तेरा हाल हम निर्भया जैसा करेंगे। आप मानसिकता देखिए साथियों की किस तरीके की है। इस स्त्री के साथ भी वैसा ही किया गया। फिर उसके बाद मीडिया में डिबेट डिस्कशन चल रहे हैं, कुछ केस हाईलाइट हो जाते हैं और ज़्यादातर जो केस हैं, ज़्यादातर की मैं बात कर रही हूँ, 90% केसेस तो हम आपके नॉलेज में ही नहीं आते क्योंकि सारे केस रिपोर्ट नहीं होते हैं। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो कि दर्ज नहीं किए जाते हैं। अब इसमें डिबेट डिस्कशन होगा, पैनल पे आप लोग बैठेंगे, मीडिया में आप देखेंगे, वही बात होगी, ये घटना हुई है, इसमें ये FIR कर दी गई है, एक को गिरफ्तार कर लिया गया, 4 को और गिरफ्तार करना, सेम वही महाराष्ट्र राज्य में करीब 1 सप्ताह पहले 13 साल की बच्ची के साथ 8 लोगों ने गैंग रेप किया। 13 साल की बच्ची, ये मानसिकता वाले लोग पनप क्यों रहे हैं? आखिर ये क्राइम रुक क्यों नहीं रहे? तो वही डिस्कशन होगा, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, महिला सुरक्षा पर काम होना चाहिए। काम करेगा कौन? काम किया क्यों नहीं जा रहा? ये अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ये दायित्व तो किसका है? अगर जो दायित्व तो ही नहीं, जो लोग दायित्व तो के अधीन हैं वो दायित्व तो निभा क्यों नहीं रहे? उनसे सवाल क्यों नहीं? उनसे सवाल जब तक नहीं किए जाएंगे, निर्भया के साथ क्राइम होने के बाद IPC, साथियों IPC जो कि हमारे बहुत सारे जो साथी जुड़े हुए हैं हमसे, वो जानते हैं कि IPC को भारतीय दंड संहिता जिसको कहते हैं, जिसके तहत सजा दिलाई जाती है, वो धाराएं लगती हैं 302, 304, जो भी धाराएं, रेप की धाराएं, IPC में बदलाव किया गया, रेप की धाराओं में परिभाषा में बदलाव किया गया, पनिशमेंट में संशोधन किया गया, जुबनाइल एक्ट में बदलाव किया गया, CRPC में बदलाव किया गया, जिसको कहते हैं कि प्रोसीजर इसमें बढ़ रहे थे कि कैसे कैसे FIR होगी, कैसे बयान होंगे, ये सारा प्रोसीजर उसमें दिया गया। उसके बावजूद भी वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन चाहिए, उसके बावजूद भी बदलाव क्यों नहीं दिख रहा? इसके पीछे का जो कारण है साथियों, मैं बताना चाहती हूँ, एक एग्जांपल देखिए कि अगर इस देश के अंदर
100 केस हो रहे हैं, चाहे टोटल हम नंबर ऑफ केसेस की बात करें, 100 केस हो रहे हैं, तो उन 100 केसेस में से सिर्फ कितनों को सजा दी जा रही है? 25-30% लोगों को। तो आप सोचिए कि वो 70% जो क्रिमिनल है वो कहाँ है, उनका कन्विक्शन क्यों नहीं हो रहा, उनको सजा क्यों नहीं दी जा रही, जबकि ये भी पता है कि उन्होंने अपराध किया है। और जिन 25-30% लोगों को सजा दी जा रही है, वो सजा उनको बिदना पीरियड नहीं मिल रही है, 1-2 साल में नहीं, 10-15-20 साल में सजा दी जा रही है, तो उस कानून का कोई मतलब है जिनको 15-20 साल बाद सजा मिलेगी? आप सभी लोग जानते हैं कि लोग अपराध करके 2 साल बाद 3 साल बाद बेल पर छूट करके बाहर आ जाते हैं और समाज को ये मैसेज देते हैं कि हमारा कानून, हमारी पुलिस, हमारा सिस्टम कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लोगों के अंदर डर नहीं है। और डर इसलिए पैदा नहीं कर पाए हैं आप लोग जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, चाहे वो पुलिस व्यवस्था हो, चाहे वो हमारी माननीय अदालतें हों, या हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हों, या हमारी पॉलिटिकल पर्सन्स हों, ये इसलिए नहीं दे पाए हैं क्योंकि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। चर्चा हो जाती है जब भी कोई क्राइम होता है, कैंडल जला दी जाती है, लेकिन कोर्ट कचहरी में विदिन अ पीरियड न्याय कैसे मिलेगा, इसके लिए कौन आवाज आज उठ रही है? देखिएगा कि इस केस को भी सालों लग जाएंगे। हाथरस केस में आप लोगों ने देखा पुलिस की इतनी लापरवाही के वजह से उस केस में इतने सारे डिफिकल्टीज आ रहे हैं। तो ये कानून को लागू कौन कराएगा? डिफिकल्टीज कहाँ आ रहे हैं? जब भी एक कोई क्राइम होता, पहली बात तो मैं इस चीज पर विश्वास नहीं रखती हूँ कि किसी का मर्डर हो गया तो उसको आप फिर जस्टिस के लिए फाइट करते। जो व्यक्ति जिसको बचाना चाहिए था, जिसका अधिकार था इस देश के अंदर जीवित रहने का, अपनी जीवन को इंजॉय करने का, उसका मर्डर हो गया, उसको मरने के बाद आप क्या जस्टिस दिला रहे हैं? ये तो उस व्यक्ति को आप सजा दिला रहे हैं, उस अपराधी को जिसने ये अपराध किया है उसको सजा दिला रही है। अगर एक्चुअल में जस्टिस की बात होती तो शायद जिन लोग मर रहे हैं, जो बेटियां मर रही हैं, जिनके साथ अपराध किया जा रहे हैं, उनके साथ ये अपराध रोकने की बात होती, प्रिवेंशन की बात होती, न कि इन्वेस्टिगेशन की बात होती। हमारा पूरा सिस्टम आज तक प्रिवेंशन की बात ही नहीं करता, बचाव की बात ही नहीं करता है, बात करता है कि अपराध हो गया, अब इन्वेस्टिगेशन हो गई है, ये धाराएं लग गई हैं, सालों साल मुकदमा चलेगा और फिर जब वो जजमेंट आएगा तो कहा जाएगा कि न्याय मिल गया। निर्भया केस में भी मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, निर्भया को न्याय नहीं मिला, उन अपराधियों ने जो क्राइम किया था उसकी उनको सजा मिली। निर्भया तो इस दुनिया से चली गई, उनके साथ उनकी दरिंदगी जो की गई थी, उनके साथ जो छेड़खानी की गई थी, जो बर्बरता की गई थी, उससे उस बेटी को हम लोग कहते हैं एक शब्द कि न्याय मिला है, जिस जो इतनी बुरी तरीके से इस दुनिया से, हमारे देश से, जिसको मुझे लगता है पूरे देश के ऊपर एक कलंक था कि 8 बजे रात को जिस देश में हम देवियों की तरह अपनी बेटियों को पूजते हैं, उन बेटियों के साथ 6 दरिंदगी बलात्कार करते हैं, और वही मुंबई में। आखिर बार बार मैं देख रही हूँ जो पुलिस कमिश्नर है वहाँ के, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, उनका स्टेटमेंट, ये हुआ और हमने ये कर लिया है। अब क्या आप इसमें, आपको हम वाहवाही आपकी करें कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया FIR करके? आपका काम FIR करना नहीं, आपका काम क्राइम को रोकना है। FIR के लिए तो वो बाद में, जब आप जिस तरीके से, जब बहुत इस तरीके की एकाध रेयर घटनाएं होती हैं तो उसमें हाँ कि नहीं FIR होनी चाहिए, सारा चीज जो आपकी ड्यूटी है। लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं ठीक था? एक ऑटो में रोड साइड कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रेप करके उसको मार रहा है, जान से खत्म कर दे रहा है, उसके बाद आप कहते हैं कि आपने ये इन्वेस्टिगेशन में किया? ऐसे तो मरती रहेंगी लड़कियां, और इन्वेस्टिगेशन करते रहिए, सालों साल केस लड़ते रहिए। न तो हमारे पुलिस सेंसिटिव है पूरी तरीके से, मैं बात कर रही हूँ, कुछ पुलिस ऑफिसर नो डाउट मुझे मिले हैं, काम करती हूँ मैं, कि बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, इन जनरल ना तो पुलिस सेंसिटिव है, पुलिस पूरी तरीके से अच्छे से काम नहीं करती है, पुलिस टेक्निकल नहीं है, पुलिस के पास पूरे संसाधन नहीं है, और अगर जो संसाधन है तो उनका उनको यूज करना नहीं आ रहा, और अगर जो संसाधन है और उनका अगर पुलिस यूज भी करना चाहे तो किसके लिए करती है? हमारे पॉलिटिकल पर्सन्स के लिए करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए करती है, ये राजनीतिक लोग इन्हीं लोगों के, जो पूंजीपतियों लोगों के लिए करती है। देश के अंदर इतना बड़ा गैप है कि आम नागरिक को कभी ये महसूस ही नहीं होता है कि पुलिस सिस्टम जो है उसके लिए काम करती है, उसके लिए खड़ी हुई है। दूसरी मैं बात करना चाहूंगी कि निर्भया फंड बना था, निर्भया के साथ जब अपराध हुआ उसके बाद 2013 में, उस निर्भया फंड में पहली बार 1000 करोड़ रुपए रखे गए थे। आज तक
नहीं पता उन 1,000 करोड़ रुपए से जो निर्भया वन स्टॉप सेंटर बनने थे हर डिस्ट्रिक्ट में, वो बने हैं या नहीं बने, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, कौन बताएगा कि हमने इतने निर्भया वन स्टॉप सेंटर बनाए हैं, कि कौन इसकी अकाउंटेबल होगा इन चीज़ों के लिए कि हमने वो सेंटर बनाए, उसमें इतनी बेटियों को हमने रखा है, उनको जस्टिस दिलाया है, कोई भी नहीं है। कोई अकाउंटेबिलिटी जब तक फिक्स नहीं की जाएगी, ये इम्पॉसिबल है चीज़ों को रोक पाना। दूसरी चीज मैं कहूँगी कि समाज के लेवल पे अगर हम बात करें, समाज में बदलाव 2 वजह से आते हैं, एक तो कानून का डर और एक मानसिकता में बदलाव। तो कानून का डर तो हम दिखा ही नहीं पा रहे हैं, और रही मानसिकता में बदलाव, तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हमने कानून बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए लोग जो है आगे आकर के काम कर रहे हैं, ठीक है, हम चांद पर पहुंच गए, अंतरिक्ष में पहुंच गए, ओलंपिक में हमारे देश की बेटियां मेडल लेकर के आ रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग क्यों हैं जो ऐसा क्राइम कर रहे हैं? वो लोग कहाँ हैं? हमारे आपके बीच से हैं वो, और अगर वो ऐसा क्राइम कर रहे हैं तो उनकी मानसिकता ठीक क्यों नहीं हुई है अभी तक? उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमारी एक भी गवर्नमेंट ने 75 सालों में कोई भी एक पायलट प्रोजेक्ट नहीं चलाया जिसमें देश की बेटियों की सुरक्षा की बात हो, नेशनल लेवल पे की बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जिसमें बात हो। दूसरी चीज, जब भी डिबेट डिस्कशन होते हैं, मैं देखती हूँ कि जो यूथ हमारे देश का है, बहुत बड़ी संख्या है यूथ की, हमारे जो देश के बच्चे जो 10th 12th में पढ़ रहे हैं, जो KG में पढ़ने जा रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चे, उनके जो माइंड सेट हैं, उन तक क्या हम पहुंच रहे हैं? क्या हम उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं? क्या हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें हमने क्या कोई इस तरीके के चैप्टर्स या इस तरीके के कोई प्रावधान किए हैं कि जब भी कोई बच्चा, बेटा या बेटी KG क्लास में, शिशु क्लास में एडमिशन लेंगे, उसके बाद उनके गार्जियन को बुला करके उनके साथ मीटिंग की जाएगी, बच्चों के पेरेंट्स के साथ, उनको स्कूल में बच्चों को जो टीचिंग दी जाएगी, उसके अलावा गार्जियन की भी परिवार में जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को कैसे टीच करेंगे। एक तरफ आपने अपनी बेटियों को एम्पावर्ड कर दिया, निर्भया भी एम्पावर्ड थी, अकेले देहरादून आती जाती थी बस से, और पैरामेडिकल कर रही थी, दिशा रेड्डी भी डॉक्टर थी, कितनी सारी बेटियां सब एम्पावर्ड हैं, ओलंपिक में जा रही, लेकिन जो हमारे ही देश के नागरिक हैं जो क्राइम कर रहे हैं, क्या उनकी हमने कभी काउंसलिंग की कि बेटियां सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो इस देश की नागरिक हैं, उनके भी उतने ही मानवाधिकार हैं जितने आपके हैं, देखे कैसे नहीं बदलाव आता? ना तो हम उन यूथ को अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जो अगर इस तरीके से क्राइम भी कर रहे हैं, और ना ही हम महिलाओं को बचा पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी कलेक्टिवली काम ही नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और मुझे लगता है कि इन सारी समस्याओं पर अगर बात होगी, निर्भया फंड जो पैसा है उसको खर्च किया जाएगा सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पे, हमारे देश के अंदर इतने महिला आयोग बने हुए हैं, ये महिला आयोग क्या करते हैं? ये लोग कभी अपनी टीम बना करके प्रॉपर तरीके से, मैंने देखा है दिल्ली महिला आयोग थोड़ा ठीक काम करता है, पूरे देश के अंदर हर राज्य में राज्य महिला आयोग है, नेशनल लेवल पे हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग है, क्या इन्होंने देश के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर के, महिला स्वतंत्रता को लेकर के, या यूथ की काउंसलिंग को लेकर के, हमारे देश के नागरिक जो बच्चे हैं उनके लेकर के कभी कोई काउंसलिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाए? क्या कोई बड़े बड़े इवेंट्स किए? क्या स्कूल कॉलेज में जाकर के बच्चों से बात की? ये सारी चीजें, मानसिकता बदलनी चाहिए, टेलीविजन पे बैठ करके मानसिकता बदल, ऐसे मानसिकता बदलेगी? ऐसे कभी नहीं बदलेगी। हमें उनके बीच जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उनको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, और जो भी पॉलिसीज हैं उन पॉलिसी महिलाओं से संबंधित हैं या हमारे यूथ के काउंसलिंग से संबंधित हैं, उन सारे पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, ये सब बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज दुख हो रहा है कि वो लेडी, सोचिए 32 साल की वो महिला थी जो महाराष्ट्र में थी, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन उनका पालन पोषण करेगा? एक बेटी के साथ, एक स्त्री के साथ अपराध होता है, लोग भले ही कहते हैं कि ये महिलाओं का मुद्दा है, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। जिस परिवार की वो स्त्री है उस परिवार में वो पिता भी दुखी होता है, वो माता भी दुखी होती है। क्या निर्भया के साथ जब क्राइम हुआ तो निर्भया के फादर, उनके भाइयों को उतनी तकलीफ नहीं थी, उनको भी उतनी तकलीफ थी? क्या अभी हाथरस की जो बिटिया है उसके साथ में उनके पिताजी से जब बात होती कहते हैं मैडम मेरे लिए तो आप मेरी बिटिया की तरह हैं,
क्या वो पिता दर्द में नहीं है, क्या वो भाई दर्द में नहीं है जो हर जगह न्याय के लिए कभी लखनऊ कोर्ट कभी हाथरस कोर्ट भटक रहा है? क्या उस भाई को दर्द नहीं है? क्या ये समस्या एक समाज की समस्या नहीं है? ये पूरे समाज की समस्या है और इस समस्या से लड़ने के लिए, इस रूढ़ी से, इस क्राइम से लड़ने के लिए हमें कलेक्टिवली वर्क करने की ज़रूरत है। चाहे वो मेल पर्सन हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे हमारी सरकारें हों, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों, पुलिस हो, देखिए कैसे क्राइम नहीं रुकेंगे। और इन सब के बाद अगर देखिए, हमें कभी भी किसी भी चीज़ पर तब टिप्पणी करने का अधिकार है कि हाँ क्राइम नहीं रुक रहे, जब हमने उसमें पूरा कंट्रीब्यूट किया हो, अपना योगदान दिया हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एज एन सिटीजन हो, लेकिन पूरी तरीके से हम लोग योगदान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ें नहीं रुक रही। और जिस दिन पूरा योगदान दे दिया और उसके बाद अगर इक्का दुक्का घटनाएं हुई भी, तो वो जस्टिफाई की जा सकती है कि वो हर कंट्री में ऐसे कुछ लोग हैं जो क्राइम करते हैं, साइको हैं या कुछ तरीके, लेकिन बिना काम किए और हम ये उम्मीद कर लें कि बदलाव आएगा, ये इम्पॉसिबल है। और मेरे साथ इतने जो साथी जुड़े हैं, मैं हाँ जोड़ के ये भी कहूँगी कि लाइव को शेयर करें आप लोग और आगे तक ये बात पहुँचे, क्योंकि जितना हो सकता है जो भी माध्यम है, अपने कोर्ट में केस भी लड़ती हूँ, फेसबुक से भी आप लोगों के बीच जो कानून की बातें हैं वो भी रखती हूँ, समस्या कहाँ है वो सारी चीज़ें भी रखती हूँ। और मुझे लगता है साथियों, हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, सरकार सहयोग करेगी, सरकार पायलट प्रोजेक्ट चलाएगी, तो बदलाव होगा। चाहे वो आपके घर की बहन बेटी हो या हमारे घर की हो, वो हमारे देश की नागरिक है, उसको सुरक्षा देना हम सभी की इक्वल जिम्मेदारी है, और ऐसा हम सब लोग मिलकर के करेंगे। अच्छा, एक लोग मुझसे कुछ कर, मुझे अपने थाने से सीसीटीवी फुटेज चाहिए तो कैसे मिलेगी? आप वहाँ कर, वहाँ पर थाने वाले अगर नहीं दे रहे हैं, डीसीपी को लिखिए, और अदरवाइज आप कोर्ट में जाकर के वो प्रिजर्व करा सकते हैं। 156 सीआरपीसी में जो प्रावधान है कि कोई आपके साथ अगर क्राइम हुआ है और उस क्राइम से संबंधित आपको सारे दस्तावेज चाहिए, आपको एविडेंसेस चाहिए, और नहीं कोई अवेलेबल करवा पा रहा है, तो आप उसमें 156(3) जो सीआरपीसी में प्रोविजन है उसके तहत कोर्ट में जाकर के कोर्ट से मॉनिटर करने के लिए बात कर सकते हैं, और कोर्ट वो सारे जो एविडेंसेस हैं उनको प्रिजर्व कर लेगी, उनको सुरक्षित रख लेगी। इसलिए मैंने आपको ये सजेशन दिया। और साथ ही साथ भाइयों, साथियों, मैं एक बात करूंगी आप लोगों से, मैंने अपना एक ट्रस्ट बनाया है, समृद्ध भारत ट्रस्ट। मैंने बनाया जरूर है, लेकिन मैं उसकी कभी भी ऑनर नहीं रहना चाहती हूँ। वो ट्रस्ट आप सभी लोगों का है, आप सभी लोग उसमें जुड़ कर के काम करेंगे। मैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूथ को, राज्य लेवल पे अपने यूथ को, और जितना मैं महिलाओं को जोड़ूंगी उतनी ही संख्या में मेरे उस ट्रस्ट से मेरे देश के युवा साथी मेल पर्सन भी जुड़ेंगे, और हम लोग कलेक्टिवली काम करेंगे। और मेरा जो उद्देश्य है, हम सबका जो उद्देश्य है कि हर घर की बेटी सुरक्षित हो और हर घर का बेटा भी जेल में ना जाए, ठीक है, किसी भी घर का बेटा भी जेल में ना जाए, हर घर की बेटी सुरक्षित हो। एक हम समृद्ध, मैंने ट्रस्ट का नाम रखा है समृद्ध भारत ट्रस्ट, वाकई में अपना परिवार, अपना समाज, अपना देश समृद्ध बनाएंगे, मिलकर के काम करेंगे। और आप सब लोगों को उस ट्रस्ट के बारे में सारी जानकारियां जल्द ही उससे अवगत कराएंगे, कब इनॉग्रेशन होगा आप सभी लोगों को मैं इन्वाइट करूंगी, और हम लोग मिलकर के पब्लिक के बीच में काम करेंगे, बैठ करके काम करेंगे। आगे आप सभी लोगों ने देखा मुझे लाइव, और आप सभी लोगों का शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जो इस स्त्री जो जिनका मर्डर किया गया, उनके बच्चों के लिए कि एटलीस्ट उनके बच्चे हैं, उनकी प्रॉपर परवरिश हो, उनको अच्छी स्कूलिंग हो, उन सबके लिए हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। उस बेटी, उस स्त्री के जो अपराधी हैं, उनको जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। आज मैंने ऐसा की नाका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ कॉल किया था, बात नहीं हो पाई, मैं कल फिर कॉल करूँगी। और जनरली मेरे संज्ञान में जो भी केस आते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ भाइयों, मैं उन सारे केसेस में कोई हमें अप्रोच करे या ना करे, वो परिवार या कोई, मैं उस थाने में कॉल करके उस केस की सारी डिटेल जानकारी अर्जित करती हूँ, पता करती हूँ कि अभी तक क्या कार्रवाई की है। ये मेरा काम करने का एक हमारा एक तरीका है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं
कि वो मैटर हमारी हमें हमारे तक कोई लेकर ही आए, हमारे अगर संज्ञान में है तो हम अपने आप उसमें काम करते हैं। लेकिन आप सभी लोग जब हमारे ट्रस्ट से जुड़ेंगे तो हम लोग कलेक्टिवली काम करेंगे, किसी भी राज्य में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तहसील लेवल पर भी हमें अपनी टीम खड़ी करनी है, और जो व्यक्ति जहां होगा वो वहां पर खुद लीड करेगा और क्राइम को रोकेगा, थाने जाएगा, क्राइम को रोकने के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएगा। तो ये सारा चीज़ हम अभी शॉर्ट में डिस्कस किए, आगे भी करेंगे, और साथियों बहुत ज़रूरी है कि मिल करके हम सब लोग काम करें। थैंक यू सो मच सभी साथियों को, और गुड नाइट। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह एटलीस्ट अपने सराउंडिंग, अपने आसपास कोई अपराध ना होने दें, और कोशिश करें कि कोई अपराध हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करें। गुड नाइट सभी मेरे प्यारे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरे सभी फेसबुक के साथियों को, और फिर किसी दिन हम लोग मिलते हैं। और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि मैंने जो सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लिख रही थी, उसके बारे में डिटेल हम कल या परसों में लाइव आएंगे, हम सारी बात आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और आप लोगों का हाथ जोड़कर शुक्रिया कि आप लोगों ने जिस तरीके से मेरी अपनी खुद की सुरक्षा के लिए मैंने यहाँ लिखा, और आप लोगों ने जो रियली जो सहयोग किया है लिख करके सोशल मीडिया से, माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, पुलिस, हर किसी को टैग करके आपने सहयोग किया, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच, गुड नाइट सभी लोगों को, थैंक यू।